नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल। फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के सुजरहरी मोड़ के पंचू पुत्र जगदीश यादव के मकान में किराए पर रह रहे दिनेश और उनके साथ उनकी मां रहती थी, जो कि आज कमरे में नहीं थी। और दिनेश के पिता के बारे में बता दें कि वह भी जेल में बंद है और दिनेश की उम्र लगभग 26 वर्ष बताई जा रही है, जो कि नशेबाज है, जिससे कमरा खाली कराने के लिए सामने वाले लोगों ने कहा कि, लेकिन पंचू सिंह का कहना है कि मेरा घर है, हम जब चाहें जिसको रखें, लेकिन उसका परिणाम यह निकला कि सामने वाले मुल्ला की नतीनी को हवस का शिकार बनाया, जो कि लड़की अभी ठीक से 3 साल की भी नहीं हुई है, जो इस शैतानी रूपी दिनेश की हवस का शिकार हो गई और लड़की की मृत्यु हो गई, जिसे कपड़े में लपेट कर रखा गया और घर वाले गांव और कस्बे की लाउडस्पीकर लगाकर अनाउंस कर रहे थे कि पता चल गया लड़की के सामने वाले कमरे में मरी मिली। यहां खबर पुलिस प्रशासन तक गई और मौके पर पहुंची क्षेत्राधिकारी गया गत मिश्रा खाना खागा उपजिलाधिकारी आशीष कुमार और खागा कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार शर्मा के साथ महिला पुलिस और ढेरों पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर कोतवाली खागा लाए और वारदात देने वाले दिनेश को भी पकड़कर कोतवाली में बंद किया गया। अभी छानबीन चल रही है। दो ही मिनट में गायब हुई क्यों कम ढूंढते ढूंढते पर गायब खाएगा मेरे लाउंज में रहे तुम्हें खबर मिलने की तो बाहर भेज दिया गया मार दाए। ये कौन कौन मारा हाँ कौन मारा है हाँ कौन मारा है दिनेश दिनेश को पता ना दिनेश कैसे साल का है अरे वो शादी सुधा भाई तो ये 25 साल का है। बिटिया कैसे साल की 3 साल की ये आपकी नातिन है।